हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंस्टाग्राम पर फुल फोटोज अपलोड करो बिना क्रॉप किए। मतलब इंस्टाग्राम का आपको पता है दोस्तों, अगर आप फुल साइज में कोई फोटो अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पर वो क्रॉप करने से आपका फोटो ऊपर से नीचे से कट जाता है। तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी। एंड आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो है फेसबुक में फुल साइज में फोटो अपलोड कैसे करें। आपको पता हो दोस्तों, फेसबुक में फुल साइज में फोटो अपलोड हो जाती है, बट आपने इंस्टा पर देखा होगा दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो ये जो वीडियो बनाई थी इंस्टा वाली, उस पर दिखाया था कि साइड से वो वाइट बैकग्राउंड हो जाती थी, तो वो दिखने में अच्छा लगता था। एंड फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग ऐसे करके अपलोड करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जिनके कारण वो वैसा नहीं कर पाते हैं फोटो को, सिंपली ही अपलोड कर देते हैं फेसबुक पर अपने। एंड कभी कभी प्रोफाइल में भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोफाइल में भी वो अपलोड करते हैं तो कहीं से फ़ोटो कट जाती है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कि फेसबुक में अपने फुल साइज की फ़ोटो को इंस्टा जैसे कैसे अपलोड किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसको अपलोड किया जाता है इंस्टा की तरह, तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। इंस्टा पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे जो साइड से वाइट बैकग्राउंड हो जाती है फोटो में, तो कितना अच्छा लगता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको फेसबुक में फ़ोटोज़ अपलोड करना है तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा दोस्तों फेसबुक का ये अकाउंट नहीं, ये फेसबुक का मेरा पेज है दोस्तों, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों, मैं आपको अपनी प्रोफाइल में आ गया, सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैंने ये प्रोफाइल अपनी ओपन किया, अब मुझे अगर कोई फ़ोटोज़ अपलोड करनी है तो मैं फ़ोटो को उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये फ़ोटोज़ अगर दोस्तों मुझे अपलोड करनी है तो मैं ये अपलोड करूँगा। तो ये देखिए फुल साइज में हो रही है, ठीक है, बट किसी किसी को दोस्तों पसंद होता है कि वाइट बैकग्राउंड साइड से हो। मैं इसको भी आपको पोस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसको पोस्ट करके देखने में एंड उसको पोस्ट करके देखने में क्या अंतर है। तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया दोस्तों, अब आप देखेंगे तो अभी मैं आपको अपलोड हो रहा दोस्तों, एक मिनट। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये ऐसा कुछ ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा, बट वाइट बैकग्राउंड के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है इनशॉट। आपको इनशॉट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप उसमें कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसको आप ओपन करिए एंड आपसे ये कुछ परमिशन आएगा तो अलाउ करें। उसके बाद ये तीन ऑप्शन आएगा, वीडियो, फोटो, कॉलेज। तो आपको वीडियो पर नहीं, फोटो पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ से अपने उस फोटो को चूज़ कर लेना है। तो हम इस फोटो को चूज़ कर लेते हैं एंड देन आप चूज़ करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ गया है। आपको कैनवा पर जाके आप यहाँ से रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको 1:1 रेशियो का सिलेक्ट करना है। एंड देन बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ से फ़ोटो का ही बैकग्राउंड रख सकते हैं ब्लर वाला, या फिर आप वाइट भी रख सकते हैं दोस्तों। वाइट वाला बहुत अच्छा लगता है तो मैं वाइट ही रखता हूँ। एंड देन आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर, ये सेव हो गया दोस्तों। अब मैं आपको वापस से फेसबुक उस फोटो को अपलोड करके दिखाता हूँ। तो हमने जो फ़ोटो को ये किया था तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर एंड डन पर क्लिक करेंगे। अब मैं इसको आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो वो फोटो भी पोस्ट हो गई दोस्तों। तो अब आप देखिए दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है दोस्तों को वाइट बैकग्राउंड के संग ये थोड़ा अच्छा लगता है एंड दिखने में अट्रैक्टिव एंड अच्छा लगता है। आप अगर कोई भी अपने फोटोज़ को फेसबुक पर ऐसे अपलोड करिएगा तो ये दिखने में अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है दोस्तों, बट वाइट बैकग्राउंड के साथ ये और भी अच्छा लगता है। तो यही दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। तो आप भी अगर अपने फेसबुक पर फोटो अपलोड करना चाहते हो तो ऐसे ही कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जैसे इंस्टा पर मैंने बताया था, वही फेसबुक पर भी आपको करना है। तो यही थी वीडियो दोस्तों कि फेसबुक पर ऐसे फोटो अपलोड इंस्टा जैसे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आपको जस्ट एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इनशॉट, आप उससे एडिट करके फ़ोटोज़ को ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे अपलोड कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो दोस्तों, वीडियो आ चुकी है, आप भी करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लवर व विराट सर्च करिए, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड
अगर आपने दोस्तों मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम है IAMVishal_18, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।